अपनी सीट पे बस अकेले इंतजार मत कीजिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। काबिले तकरीम नौ मुंतखब अरकान 16वीं कौमी असेंबली पाकिस्तान, इस मजज़ तरीन ईवान की ईवान के 22वें स्पीकर की हैसियत से मेरे लिए इंतहाई इज्जत और शर्फ का मुकाम है कि मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों को पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के एक नए संग मील पर खुश आमदेद कहूँ। बतौर स्पीकर मेरी ज़िंदगी का एक तारीखी मौका वो भी था जब आप सबसे बहसीयत रुकन कौमी असम्बली मैंने हल्फ लिया और यूँ ये इज्तमाही जिम्मेदारी आपको बाकायदा तौर पर तफवीज हुई कि इस ममलकत खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए अपना वो किरदार पूरी दयानतदारी इखलास से नीयत और खुश असलूबी से अदा करें जिसके लिए अवाम ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। मुअज़्ज़ज़ की अराकीन असेंबली 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली मजलिस-ए-कानून साज से